एक लिया। पराठा ही तैयार हो चुका है इस तरह का कुछ जड़ा ना है जरा। और ऊपर असी साग भी रख के खसा है क्योंकि थोड़ा साग बिच लग्या होया। काफ़ी क्वेश्चन बावजूद जी है तकरीबन 5-7 सानू मिले ने। और पिंडू आंदे होए मूलियां लईयां अज जड़ा ने 20 रुपए किलो मूलियां दे ते अम्मी भुख अज जड़ी ने बहुत ज्यादा लगी हुई है। मूलियां लै आंदियां साग पक्का पिया आसिया वेखो लगी हुई है रूड़ियां चुगण। और अली मम्मा दे लग्या होया अपनियां बकरियां नू पावन जड़ा ना बेर दियां टहणियां। ये पत्तर जड़े ना शौक नाल खांदियां ने बकरियां वेखो सारियां जड़ियां ना बड़े शौक नाल खांदियां ने। आरी नाल कप कप के सट्टी आ रहे थले। ये हुण परले पासे डिग सी तू लै आसे चक के कि ओदे बकरियां लै जासे। अच्छा ओ वेखो उत्ते चढ़िया हाँ निको भी लगी हुई खावना है ना निके निके बच्चे हैं गए उत्ते ना सटिया कर कंडे बहुत तेज हैं। और पिंडू आंदे होए मूलियां लईयां अज जड़ा ने 20 रुपए किलो मूलियां दे रहा भाई ते असां आखे जड़ा ताजिया मूलियां है गियां लै लैने चल के रोटी पकवाने अम्मी कोलों। ए बंदा सवेर दा इत्थे आया होया और हुण इहनू कपड़े जड़े ने चेंज करके ते नाल लैके चले आ। ऐ बेर वेखो निक्के निक्के अजे होए पक्के नहीं हैगे कच्चे बेर हैगे टाणियां भी लाईयां ने ते नाल बेर भी ला के लै आंदे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल मेरे तमाम भैन भाई उम्मीद करने सारे बिल्कुल ठीक ठाक हो गए अल्लाह का शुक्र असी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। काफ़ी दिनों बाद अम्मी और आने चले हैं और मूलियां शूलियां भी लै लिया चल के मैं जड़ा ना मूली वाले पराठे खाने हैं माँ के हत्थां दे काफ़ी दिनों बाद मैं चलो रोटी वगैरह खाना छाना चल के खा के आने थोड़े नाल भी शेयर करांगे। और हुण मैं आया बाग के अंदर बाग के विच कोई 2-3 अमरूद जड़े ने अम्मी और वास्ते लैके जाने अगर लभ जाते हैं तो देखने हैं ताज़े अमरूद जब मिल गए तो एक मिले वेखो पक पक के थले भी डिगे पैने वेखो। काफ़ी क्वेश्चन बावजूद जी है तकरीबन 5-7 सानू मिले ने क्योंकि सर्दी के बेच जड़ा ना असल पकते बहुत घट हैं ता वास्ते करके मैं इतने फिर लै लेने तकरीबन किलो हो ही जाने। देख दिए कैमरे ले की शायद खावण दी तो नहीं और असी अम्मी कोल पहुंचे अम्मी धोंदी ओदी भांडे ते अम्मी भुख अज जड़ी ने बहुत ज्यादा लगी हुई है। मूलियां लै आंदियां साग पक्का पिया चलो फिर साग वाली रोटियां खा लैने सही साग पराठे बना से कौन जे खा ले चल देखने और ये वेखो आसमा आटा भी गुन्नी जा रही है अम्मी प्याद आटा गुद्दा पे हूँ गुंदी बनी चलो बच्चे वेखो चढ़ गए उपर कोठे दे छत दे उत्ते आसिया लगी हुई है चाय बनान मेरा चाय बना रही है भुख जड़ी है ना एक बार भांगड़े पाई खड़ी है आपा गर्वी नहीं खा के टुरे ते इत्थे भी हुण की लेट है बस चाह पक जांदी रोटी खा लेंगे तो पकाओ फिर। और ऐ आवाम वेखो कि चढ़ गई वेखो ऐ चढ़ी जाती पी तू टहनिया लाण गई है बकरी वास्ते ओ टांगे वालिया ऐ वे टांगा ओदे लैक चला गया ऐ उत्ते चढ़ गई है वेखो किन्ना उच्चा दरखत है। और ऐ सारा फार्म वेखो जेड़ा ना हुण उन्हें गिरा दिता सेल कर दिता इन्हें
ए दो कमरे सिर्फ रह गया, इनका भी दरवाजा जड़ा पट लिया हो। देखो इनका भी दरवाजा पट लिया, ये भी टैटू जाना बाकी है। एक कमरा है पता नहीं हूँ ये भी रहन दें या डेग छड़ दें। इस तू बाद अबू और अल्लाह वारस ही है क्योंकि उन्हें सारा फार्म तो सेल कर दिता है। बहरहाल चलो जिस तरह भी है अबू और फिर कोशिश करा कि कोल लै जा जे अगर है कोठे ना ये भी टाटू छड़े तो। और अम्मी और जो साग पकाया तुसी ए देख सकते हो, ये जड़िया ना लाल मर्चा प्याज पता नहीं की पेस्ट किया है, अदरक वगैरह टमाटर भी है। मैं पराठे वेखो पक रहे हैं, साग वाले वेखो माशाल्लाह। अज असी साग वाले पराठे खा रहे हैं, मूलियां के बजाय साग वाले पराठे। एक पराठा जी तैयार हो चुके है, इस तरह का कुछ जड़ा ना जरा। और उपर असी साग भी रख के खसा है क्योंकि थोड़ा साग बिच लग्या होया। इधर वेखो है रोला वेखो इन्हों का, दोनों बह गए उत्ते पीक दे ते झूठे लेंदे। आसिया टूट जानी उत्तों, रस्सा कमजोर है। तू आ जा मेरे को रोटी खा ला, मैं रोटी खा रहा सु बकरी भज्जी आई है मेरे। और मैं कुछ इस तरह जड़ा ना साग वगैरह उपर रख के ते परांठे भी साग वाले नाल जड़ा ना चाय का एक कप ले आंदा ते बहुत ही मज़ेदार जड़ा ना लग रहे हैं। उहदे अब्बू और ही अपने कोई कारोबार लगे हुए आ, मेरे ख्याल लकड़ियां नूं टुकण लगे हुए ने हथौड़े ना। आओ वेख हुण उच्चे उच्चे लै रहे झूठे। अच्छा जी हुण तसली नाल तुहानूं विखांदा चला कि अगे तो उहदे मिस्त्री वगैरह लगे, लेकिन लगे हुण भी हैं अगे इत्थे कोल खले आ। मैं फिर जिहड़ा वीडियो बनानी एड्डी मुनासिब नहीं समझदा होर बंदे खड़े होण तां। इत्थे सारा फार्म आ सारा ही टह गया, ओ तोड़ तक जिथे तक नज़र जा रही है ना। ए दो कमरे रह गया, मतलब हाले तक इस घड़ी तक उन्होंने आख्या तो नहीं कि तुसी मतलब चले जाओ, लेकिन इशारा तो शायद यही है कि मतलब सारा उदू फार्म टह गया, इनू भी हाथ लग गया। पर एक कमरा खलोता है उनका हाले तक दरवाज़ा वगैरह नहीं उन्हें मतलब तोड़िया। तो बाकी मुकम्मल तफसील यानी कि उन्होंने नहीं दसी कि सारा मतलब मलबा ही बेचा है या फिर सिर्फ फार्म बेचा है, बाकी है चीज़ा कंधा वगैरह बेचिया ने या नहीं बेचिया। बहरहाल अल्लाह पाक करम करसी कि मतलब है कि उन्होंने आख्या ना चले जाओ, तो फिर तो चलो मजबूरन ले जाना पौना अम्मी और जिस तरह भी गुजारा करना पे करांगे इंशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह पाक करम करसी इंशाल्लाह। आसिया वेखो लगी हुई रूड़ियां चुगण, रूड़ियां चुगती बनी और की चुगदी बनी है तू की चुगी है ऐ विकार का। हां ए देखो निक्की निक्की जड़ी ना तार है की जाली वाली ये चुगदी वदी है। तेनु की करना है, बेचू है छुआरे खाऊं है? हां छुआरे खाऊं हला। और वापस असी पहुंच आए और मेरे हाथ च है गिया रस्सियां, इनना दी असल जरूरत ये है। ए विंडो तुसी देख रहे हो इनकी जड़ी है आली जाली, ये इतों खेड़ी तां वास्ते है। और सामने दरवाज़ा है, वह दरवाज़ा अंदरों मारना होंगे तो क्योंकि चोरा चकारी बहुत ज़्यादा हो गई हुई, वह दरवाज़ा अंदरों मार लवींदा है, ए भी अंदरों मार छड़ींदा है। तो आदा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अल्लाह दे वाले सारा काम। तो ये हूँ रस्सियां तां इन बनूँ, मतलब है कि सारी रात जड़ा बिल्लियां बहुत तंग कर दी, कभी उदू ए उदू ए तो सानू फिर जरा टेंशन ये लगी रही दरवाज़ा मिनट बाद खड़किया मिनट बाद इस तरह होया भाई, मतलब कि एवें आवाजारी जी बनी रही है। या तो एक थान टेक के पवन तक फिर मसला कोई नहीं, इदू बजदियाँ तो वह दरवाजे नाल टकरांदियाँ ने
दरवाजा ओला होंदा खड़क बहुत ज्यादा होंदा है, ते मैं रस्सियां नाल इन्नू जड़े ना बांध देने ताकि खोल भी गई करे और बंद भी होगी करे। बाकी आसिया पता नहीं की काम कर रही है, रेही दी सफाई हो रही। वाह सही है। ऐ वेखो जी रस्सिया नाल मैं बांध दी, उत्तू दा कोई नहीं मसला। ऐ थल्लों एक निक्का सुराख रह गया, बहरहाल इत्थे एक किट रख दी सां ते बचा तो ही रस सी इंशाल्लाह। बाकी अज दी वीडियो दा इत्थे एंड करने आ, रात काफ़ी हो चुकी है नाले वीडियो अपलोड भी करनी होंदी है, जिस वजह तो फिर हुण असीं इजाजत चाहवांगे। सारे दिन दा तां व्लॉग तुहाडे नाल नहीं है, मतलब शेयर कर सके जिहड़ा भी बनिया छोटी मोटी वीडियो तुहाडे नाल शेयर कीती है, ते इंशाल्लाह जिस तरह भी टाइम मिलता गया वीडियो असीं बनांदे रहांगे। और तुसीं भी साडी वीडियो नूं पसंद करदे हो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी करदे हो और वीडियो नूं लाइक भी करदे हो और बड़े शौक नाल वेखदे हो और तुहाडे अच्छे अच्छे कमेंट भी बड़े आंदे आ, ते बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रिया। ते इंशाल्लाह नवें व्लॉग च होंदी मुलाकात। सारे बहनां भाईआं कोल इजाजत चाहुंदे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सोने दे हवाले। अल्लाह सोने दे हवाले।